दोस्तों, इस विंडोज सर्वर 2012 के वीडियो सेशन में हम डोमेन सर्वर पे कुछ प्रैक्टिकल करेंगे जो होगा क्लाइंट मशीन को डोमेन पे ज्वाइन कराना। दूसरा हम सीखेंगे कि किस तरह से हम डोमेन पे यूजर बना सकते हैं। तीसरा हम सीखेंगे किस तरह से हम यूजर्स को राइट्स दे सकते हैं। चौथी चीज हम इस पे सीखेंगे किस तरह से यूजर की राइट्स हम डोमेन सर्वर पे चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो फुल प्रैक्टिकल होगा जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की एरर्स कहाँ आती है और किस तरह से उसको रिजॉल्व किया जाता है। क्योंकि जब भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर पे काम करता है तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार कोई सेटिंग करने के बाद वो सॉल्व नहीं होता है, उसको फिर से रीसेटिंग करना पड़ता है या उस सेटिंग को इम्प्रूव करना होता है ताकि जो वो चाहता है वो सक्सेसफुली हो जाए। तो इस वीडियो सेशन में हमको कुछ एरर्स भी आएंगे, हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। मैं एरर्स आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले जब आप प्रैक्टिकल करोगे कहीं पर भी, कोई भी सर्वर पे, विंडोज सर्वर पे, तो आपको जब उस तरह की एरर आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रेजोल्यूशन कैसे करना है, कि इसको रिजोल्व कैसे करना है। तो कोई भी मैं जो भी एस्पेक्ट्स इसमें लूंगा, मैं इसमें वन टाइम वन शॉट में सॉल्व नहीं करूंगा, ताकि आपको पता चले कि जब भी इस तरह का काम आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको एरर आए। तो एरर आने के बाद उसको रिजोल्व करने भी आना चाहिए। तो इसमें एरर भी आएंगे, मैं इसमें आपको एरर्स भी दिखाऊंगा और उसके बाद आपको उसका रेजोल्यूशन भी बताऊंगा। आइए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पे जहां पे हमने सर्वर और एक क्लाइंट कंप्यूटर बना के रखा है। दोस्तों, इस विंडोज सर्वर 2012 के वीडियो सेशन में हम सीखेंगे किस तरह से विंडोज क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन पे ज्वाइन किया जाता है। तो मैंने स्क्रीन पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हैं। राइट हैंड साइड पे मैंने रखा है विंडोज सर्वर 2012 और लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो मैंने रखा है यहाँ पे विंडोज 8.1 का क्लाइंट सिस्टम। अब मुझे क्लाइंट सिस्टम को डोमेन पे ज्वाइन करवाना है। तो डोमेन पे ज्वाइन कराने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि हमारा जो क्लाइंट सिस्टम है क्या हमारे सर्वर को कनेक्ट कर पा रहा है, वो यानी कि पिंग कर पा रहा है। आइए देखते हैं, सबसे पहला स्टेप वेरीफाई करते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको देखने में इजी हो। मैं यहां पे रन कमांड चला देता हूं शॉर्टकट दबा के, विंडोज और आर का बटन दबा के यहां पे लिखता हूं कमांड। यहां पे देखिए सर्वर का पहले आईपी हम चेक करेंगे यहां पे कि सर्वर का आईपी क्या है। सर्वर का आईपी है हमारा 192.168.1.100, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या 192.168.1.100 क्लाइंट कंप्यूटर से पिंग हो रहा है। मैं ये स्क्रीन को भी थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में इजी हो थोड़ा। आई होप आपको इतना बड़ा स्क्रीन डिसेंट है देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे विंडोज आर दबा के मैं रन में चले जाता हूँ, यहाँ पे कमांड टाइप कर लेता हूँ और हमारा आईपी जो है वो 192.168.1.100। देखिए ये मेरा यही आईपी है सर्वर का 192.168.1.100। तो क्या मेरा ये आईपी पिंग हो रहा है, मैं इसको एंटर दबाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये अब पिंग नहीं हो रहा है, पिंग नहीं हो रहा है दैट मीन्स के अब ये कनेक्ट भी नहीं होगा, ज्वाइन भी नहीं होगा हमारे सर्वर से, डोमेन से। देखिए एरर क्या आता है वो देख लेते हैं। एरर, इस एरर को देखने के लिए हमें क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन करवाना पड़ेगा। हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को डोमेन से ज्वाइन कराने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ये फोल्डर को क्लिक करके राइट क्लिक दिस कंप्यूटर को, दिस पीसी को करना है, प्रॉपर्टीज को करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको चेंज सेटिंग, ये जो दिख रहा है कंप्यूटर नेम डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग, यहाँ पे चेंज सेटिंग करना है। यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो
यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको चेंज कंप्यूटर, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दे रहा है चेंज वाला, ये हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जब देखेंगे तो ये डोमेन का ऑप्शन है, डोमेन, ये तो एक ऑप्शन था यहाँ पे आने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ कैसे आना है, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं विंडोज आर करके रन करता हूँ, कंट्रोल पैनल में चले जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद चेंज सेटिंग देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, वही ऑप्शन में आ गए हम। यहाँ पे जाने के बाद चेंज पे क्लिक करना है, ये देखिए डोमेन का ऑप्शन आ गया। यानी कि आप यहां से भी जा सकते हैं, यानी कि इसको इस पीसी को राइट क्लिक करके, और कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो ऑप्शन समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्लोज करता हूं और ये क्लाइंट कंप्यूटर में मैं फिर से विंडोज आर रन करके कंट्रोल पैनल में चले जाता हूं, सिस्टम में चले जाता हूं। अब यहां पे चेंज सेटिंग में जाता हूं, चेंज वाले ऑप्शन में जाता हूं। पीसी का नाम देखिए मेरा पीसी वन है, टेस्टिंग के लिए मैंने पीसी वन नाम दिया है। और अभी जो सिस्टम करंट जो चल रहा है ये वर्क ग्रुप में चल रहा है, हमें डोमेन से ज्वाइन कराना है तो हमें यहाँ पे डोमेन वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ पे हमें डोमेन का नाम डालना है। डोमेन का नाम हमने क्या दिया था, IG दिया था, यहाँ पे IG लिखना है। अब मैं ओके करता हूं, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए हमें एक एरर मैसेज आ रहा है कि IGIG डोमेन कैन नॉट बी कॉन्टेक्टेड। अब IGIG डोमेन का कॉन्टेक्ट क्यों नहीं हो रहा है इसका? अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सर्वर से कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा है। सर्वर से कॉन्टेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे IP डालना होगा। IP हम डाल देते हैं यहाँ से, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी IP वर्जन 4 पे चले जाता हूँ। IP एड्रेस का ऑप्शन को इनेबल करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली IP एड्रेस है, ऑप्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर आपके डोमेन में DHCP चल रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे IP आ जाएगा। अगर आपके डोमेन में यानी कि नेटवर्क में DHCP सर्वर नहीं है, DHCP का मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, अगर आपके नेटवर्क में DHCP नहीं है तो आपको मैन्युअली IP यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हमारा जो सीरीज का है, सीरीज जो है हमारा 192.168.1 का है, तो मैं 100 के जगह पे दूसरा IP को डालूंगा, 101 डालूंगा, ताकि IP क्लैश नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। 192.168.1.101 डालता हूँ मैं टैब बटन क्लिक करके नीचे आता हूँ। अब मैं ओके करता हूं और उसको भी ओके करके बाहर आ जाता हूं। अब देखिए यहां पे जो पहले एरर आ रहा था, मैं वही कमांड फिर से चलाता हूं, पिंग 192.168.1.100। ये देखिए अब ये पिंग होना शुरू हो गया है। अब ये पिंग होना शुरू हो गया दैट मींस कि हमारा सर्वर यहां से कॉन्टैक्ट हो पा रहा है, हमारा जो डोमेन सर्वर है यहाँ से कॉन्टैक्ट हो पा रहा है। हम फिर से अब वही चीज करेंगे, यहाँ पे चले जाते हैं, हम वही वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, दिस पीसी को राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे, यहाँ पे चेंज सेटिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डोमेन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं IGIG जो हमारा डोमेन का नाम है, ये मैं ओके करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है उस अकाउंट का, जिस अकाउंट को परमिशन है ये डोमेन पर ज्वाइन कराने के लिए, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर ही डाल देता हूँ। हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है, मैंने डाल दिया है यहाँ पे, अब मैं ओके करता हूँ। अब ये देखिए ये हमें एक मैसेज दे रहा है, एरर मैसेज है जो जो ये कह रहा है कि क्या द स्पेसिफाइड डोमेन ईदर डज नॉट एग्जिस्ट और कुड नॉट बी कॉन्टेक्टेड।
अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक और स्टेप लेनी पड़ेगी हमें कि बताता हूं मैं आपको क्या करना है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि हम फिर से ओपन कर सकें इसको। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, वही नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाना है हमें। नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाने के बाद सेम सेटिंग में जाएंगे हम, टीसीपी आईपीवी 4 में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें डीएनएस सर्वर का आईपी डालना होगा और गेटवे में डोमेन का आईपी डालने से और बेहतर हो जाता है डोमेन सर्वर फाइंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे डोमेन का आईपी डाल देता हूँ। और यहाँ पे डीएनएस सर्वर का आईपी डाल देता हूँ। अब मैं उसको ओके करता हूँ, इसको भी क्लोज करता हूँ और इसको क्लोज करके मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। मैं पिंग करके पहले चेक कर लेता हूँ कि पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिंग तो हो रहा है। अब मैं इसको फिर से ऐड करने का कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे चेंज में चले जाता हूँ, डोमेन में चले जाता हूँ और IGIG लिखता हूँ। मैंने ओके कर दिया। यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है। अब मैंने पासवर्ड डाल दिया है, यूजर आईडी भी डाल दिया है। अब मैं ओके करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमें वेलकम का मैसेज आ गया है और ये कह रहा है कि आपका स्वागत है IGIG डोमेन पर। मैं ओके करता हूँ। अब देखिए ये कह रहा है कि यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दिस चेंजेस। अब हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ इसको। क्लोज करता हूँ, रिस्टार्ट नाउ करता हूँ। ये रीस्टार्ट हो चुका है। अभी साइन इन का ऑप्शन आना चाहिए हमारे पास विथ डोमेन लॉगिन ऑप्शन के साथ। ये देखिए हमें ये अभी PC1 है यानी कि लोकल कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे अदर यूजर का ऑप्शन है, अदर यूजर को क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ IGIG/administrator। यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अभी देखिए ये IGIG डोमेन पर एडमिनिस्ट्रेटर के यूजर आईडी से लॉगिन हो रहा है ये।
ये देखिए मुझे उसने लॉगिन करके दे दिया है, मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। अब हमने ये लॉगिन किया सर्वर पे फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी से। अब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं सभी को अपना एडमिनिस्ट्रेटर आईडी तो नहीं दूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का जो आईडी होता है सभी ऑफिस के यूजर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दे सकते हैं हम ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो हमें क्या करना होगा, हमें हर एक यूजर का यूजर बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाना पड़ेगा, सर्वर में बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्वर में आ जाता हूँ, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। मैं कंट्रोल ऑल डिलीट दबा देता हूँ यहाँ पे ताकि हम लॉगिन कर सके। देखिए हमारे सामने लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। मैं IGAG डोमेन में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालता हूँ। हमें जाना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाने के लिए मैं ये विंडोज वाले बटन को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए ये यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के टूल्स दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पे जाना होगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर वाले ऑप्शन में। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यूजर, यहाँ पे देखिए IGIG.co.in का डोमेन दिखाई दे रहा है हमें। इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस है, इसके अंदर यूजर वाला एक जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें जाना होगा। यहाँ पे पहले से कुछ यूजर्स आपको बने हुए दिखाई देंगे, जो हमें उसमें कुछ नहीं करना है। हमें एक नया यूजर आईडी बनाना है जो हम क्लाइंट को दे सके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू करता हूँ, यूजर को क्लिक करता हूँ। ये एक ऑप्शन है, यहां से भी कर सकते हैं आप। आप ये वाले स्पेस को राइट क्लिक करके भी आप यूजर आईडी बना सकते हैं। आइए बनाते हैं, देखते हैं कैसे होता है। राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे यूजर का ऑप्शन है। यहाँ पे यूजर में आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी उस यूजर के बारे में। जैसे कि मैं उसमें लिख देता हूँ ABCD, कुछ भी लिख सकते हैं आपका जो यूजर होगा। और लास्ट नेम जो डालना है आप कुछ भी डाल सकते हो, आप EFGH लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूजर लॉग ऑन नेम मांग रहा है, यूजर लॉग ऑन नेम में ABCD लिख देता हूँ। ये हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम कोई भी नाम डाल सकते हैं फिलहाल टेस्टिंग के लिए। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपने पासवर्ड पॉलिसी ऑन कर रखा है तो आपके पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से आपको पासवर्ड डालना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पे हो सकता है कि आपके मन में कुछ सवाल ऐसे आ रहे होंगे कि पासवर्ड पॉलिसी क्या होता है। पासवर्ड पॉलिसी हम आगे आने वाले वीडियो सेशन में सीखेंगे। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन इनेबल्ड है जो कह रहा है कि यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। जब यूजर नेक्स्ट लॉग ऑन करेगा तो ये उसको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा। उसके नीचे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। ये अगर ऑप्शन टिक कर देते हैं तो यूजर पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन है कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यानी कि जो पासवर्ड डाल दिया है ये यही चलता रहेगा, पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। और मान लीजिए आपका ये यूजर यानी कि क्लाइंट है जिसके लिए आप यूजर आईडी बना रहे हो, कुछ टाइम के बाद अगर छोड़कर चला जाता है तो हमें इस अकाउंट को डिसेबल करना होता है जनरली। तो ये वाला ऑप्शन को क्लिक करके हम यूजर को डिसेबल कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन इनेबल करने से यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। हम टेस्टिंग एनवायरमेंट में हम कर रहे हैं, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। तो मैं ये नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो आपने फिल किया है। फुल नेम आपने ये दिया है, लॉग ऑन नेम आपने ये दिया है, यानी कि लॉग ऑन नेम यानी कि ये आईडी से वो लॉग इन करेगा। नीचे पासवर्ड दिया है ऑप्शन हमने, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। मैं इसको क्लिक करके फिनिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें, ये देखिए हमें यूजर आईडी दिखा रहा है कि कौन सा यूजर आईडी आपने बनाया है। अगर हम इसके अंदर डिटेल में जाएंगे तो ये डिटेल थोड़ा दिखाएगा कि इसका यूजर नेम क्या है,
उसका लास्ट नेम क्या है, डिस्प्ले नेम क्या रखा है और उसका अकाउंट का डिटेल जानना है, तो यह वाले ऑप्शन में जा सकते हैं कि अकाउंट नेम आपने एबीसीडी रखा है तो, और डोमेन क्या है, आईजीआईजी डोमेन है, ठीक है, हमने ऑप्शन क्या रखा है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर रखा है, तो इसमें आप बाद में कभी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं, अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूं, क्लोज नहीं करता हूं मैं, हमारे क्लाइंट सिस्टम पे चले जाते हैं हम। यहां पे मैं लॉगिन करता हूं, पहले लॉगिन करने के बाद लॉग आउट कर दूंगा मैं। मैं यहां पे राइट में जाने के बाद मैं अब इसको रीस्टार्ट करता हूं, आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। ये कुछ ही देर में रिबूट हो जाएगा, हो गया, मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन बता रहा है यहाँ पे, जो हमें एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं करना है, अभी अभी हमने जो यूजर बनाया है उस नाम से लॉगिन करना है हमें। मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद यहाँ पे अदर यूजर में जाता हूँ। अदर यूजर में जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है IGIG / यूजर का नाम, आईडी क्या दिया था हमने, यूजर आईडी का नाम दिया था हमने ABCD, करेक्ट। नीचे पासवर्ड डालना है, नीचे हम पासवर्ड डाल देंगे, डाल दिया मैंने। मैं इसको नेक्स्ट करके प्रोसीड करता हूं। ये देखिए IGIG डोमेन पर ABCD लॉगिन हो रहा है। ये देखिए अब ये इसका वेलकम प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और कुछ प्रोफाइल बनाएगा सिस्टम पे। सिंस ये पहली बार ये यूजर आईडी इस कंप्यूटर पे लॉगिन हुआ है तो उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग करेगा और फिर हम उस पर लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। देखिए हमने आईडी दिया था ABCD, उसका सरनेम दिया था EFGH, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं तो देखिए अभी ये हम डोमेन के यूजर से इस क्लाइंट कंप्यूटर पे लॉगिन कर चुके हैं। इसे चेक करने के लिए हम चले जाते हैं कंट्रोल पैनल पर, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम जाएंगे सिस्टम वाले ऑप्शन पे, सिस्टम वाला ऑप्शन में देखिए हम जाएंगे यहाँ पे चेंज सेटिंग में ताकि हमें पता चले हम डोमेन पर हैं या ग्रुप में हैं। देखिए हमसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है ये। अब देखिए ये यहाँ पे नॉर्मल यूजर को ऑथराइज नहीं करेगा कि ये सेटिंग यूजर देखे, इसको ऑथराइज करना होगा तो ही यूजर ये वाले ऑप्शन में जा सकता है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कुछ भी मैंने डाल दिया यहाँ पे, यूजर कुछ भी ट्राई करनी चाहेगा इस सेटिंग में जाने के लिए, देखिए यहाँ पे एरर देगा कि यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट।
ठीक है, अगर इसमें लॉगिन करना है प्रॉपरली तो इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटर का या कोई और यूजर का जो एडमिन यूजर के राइट्स के साथ है उसे यहाँ पे डालना होगा। मैं फिर से डाल देता हूँ पासवर्ड। ये देखिए हमें इस स्क्रीन पर ले आया एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ऑथराइज्ड होने के बाद। तो मैं यहाँ पे चेंज में चले जाता हूँ। चेंज में जाने के बाद हम देख सकते हैं कि देखिए हमारा सिस्टम जो है डोमेन में है, वर्क ग्रुप से हट गया, जो पहले यहाँ था यहाँ से हटकर अब डोमेन में आ गया है। तो हमारा ये पीसी डोमेन में ज्वाइन हो चुका है सक्सेसफुली, और यूजर भी हमने बनाकर चेक कर लिए हैं कि डोमेन पे हमने यूजर बनाया और पीसी से लॉग इन किया। अब यहाँ पे हम दूसरी चीज सीखेंगे कि कैसे हम यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दे सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपकी टीम में एडमिन एक नहीं, मैंने आप ही नहीं और भी कोई है, दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं आईटी एडमिन, जनरली उनको यूजर आईडी पासवर्ड देना होता है। अब सिंस हम मेन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर आईडी पासवर्ड सभी को नहीं दे सकते हैं, हम जिस यूजर आईडी को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का राइट्स देना चाहते हैं उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अलग से देंगे। आइए वो भी एक राइट्स देकर देखते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, स्विच यूजर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डोमेन के लॉगिन वाले ऑप्शन में आ चुका हूँ, जो हमारा सर्वर है। मैं इसको लॉगिन को क्लिक, मैं ये यूजर को क्लिक करके पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने ये एंटर कर दिया है। अब देखिए हम सर्वर पे आ चुके हैं। सर्वर पे आने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाने के लिए फिर से हमें यहाँ जाना होगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाना होगा। इसमें जाने के बाद जो हमने यूजर आईडी बनाया है एबीसीडी के नाम से, उसको हमें राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज में जाना होगा। यहाँ पे देखिए हमें कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर। यहाँ पे हमें मेंबर ऑफ पे क्लिक करना होगा। मेंबर ऑफ पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल यूजर दिखा रहा है, यहाँ पे ऐड करना होगा हमें। ऐड करने के बाद हमें फाइंड करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया, इसको अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स मिल गया है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, फिर से मैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे चले जाऊंगा, यहाँ पे मैं फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा सेम आईडी से। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें उस सेटिंग में फिर से जाने देता है कि नहीं देता है, जो हमें पहले जाने नहीं दे रहा था। आइडियली उस सेटिंग में जाने के लिए हमें डोमेन एडमिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स देकर, क्योंकि आपको पता चल जाए कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर की राइट से भी इस ऑप्शन में आप नहीं जा सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने डेस्कटॉप का लॉगिन स्क्रीन आ चुका है। मैं यहाँ पे IGIG डोमेन में ABCD के नाम से लॉगिन करता हूँ। अब मैं लॉगिन कर दिया हूँ। अब ये लॉगिन हो जाएगा थोड़ी देर में। अब देखिए लॉगिन हो चुका है। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं वही ऑप्शन में चला जाता हूँ जहाँ पे हमें अलाउ नहीं कर रहा था उस ऑप्शन में जाने के लिए। अब मैंने इस आईडी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, देखते हैं क्या होता है।
मैं यहाँ पे चेन सेटिंग में जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड पूछ रहा है जो डोमेन का पासवर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझे मैं वो वाला पासवर्ड डालता हूँ जो हमने जो यूजर आईडी का है, जो जो क्लाइंट का है मैं वही डालता हूँ ABCD और पासवर्ड डालता हूँ। अब देखिए ये फिर से लॉगिन करने हमें नहीं दे रहा है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर को भी राइट्स नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना होगा, हमें इससे भी एक लेवल ऊपर का हमें राइट्स देना होगा ताकि ये ऑप्शन में हम इनेबल करा सकें। इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। यहाँ पे जाने के बाद उसी यूजर आईडी को हम क्लिक करेंगे, हम मेंबर में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, फाइंड नाउ करेंगे। अब यहाँ पे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटर लिया था, अब हम लोग डोमेन एडमिन लेंगे। डोमेन एडमिन ये यहाँ पे है, डोमेन एडमिन ओके करेंगे, ओके करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, अब ओके करेंगे। अब हम फिर से ट्राई करेंगे लॉगिन करने के लिए ताकि हमें पता चले कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ABCD और जो पासवर्ड है हमारा वो डालेंगे। ये देखिए अभी नहीं हो रहा है। तो इसको इफेक्ट में लाने के लिए इसको इफेक्ट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रिस्टार्ट करना होगा। रिस्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, रिस्टार्ट को क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन आ गया है। मैं यहाँ पे वही यूजर आईडी से लॉगिन करता हूँ ABCD के नाम से, पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे, मैं एंटर करता हूँ। अब देखिए ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद मैं इसके डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर से मैं वही ऑप्शन करूंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से राइट्स में चेंजेस होने से एक्सेस मिलता है। मैं फिर से वही ऑप्शन में चले जाऊंगा जहां पे हमें अलाउ नहीं कर रहा था। अभी हमने डोमेन एडमिन का राइट्स दिया है, इसके पहले एडमिन दिया था, उसके पहले नॉर्मल यूजर था, ठीक है। तब मैं उसमें चले जाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद चेन सेटिंग पे क्लिक करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड मैं यहाँ पे वही डालता हूँ जो इस यूजर का है। मैंने एंटर कर दिया, ये देखिए हमें
इस ऑप्शन पे ले आया जहां पे पहले आने नहीं दे रहा था। पहले के राइट से हमें यहां पे आने नहीं दे रहा था। अब जब हमने डोमेन का आईडी डोमेन एडमिन का राइट्स डाला तब यहां पे हमें ओपन करने दे दिया है। देखिए यहां पे जब हम चेंज करेंगे तो यहां पे आप चेंज करने को भी ऑप्शन देगा, जो भी चेंज करना है यहां पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं, इसको भी सर्वर वाले ऑप्शन को बंद करता हूं, यहां पे इसको भी बंद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा किस तरह से क्लाइंट कंप्यूटर को हम डोमेन में ज्वाइन करते हैं, किस तरह से यूजर आईडी बनाते हैं, किस तरह से उसको एडमिन की राइट्स देते हैं, किस तरह से डोमेन एडमिन की राइट्स देते हैं, और जब हम राइट प्रॉपर राइट्स अगर किसी को नहीं देते हैं तो क्या एरर आती है आपने देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।